द कर्स ऑफ बीइंग ह्यूमन इज इन अ फाइट बिटवीन आवर इमोशंस एंड लॉजिक. गेस करो हमेशा कौन जीतता है. एंड बाय द टाइम यू आर गेसिंग, फाइंड आउट 3 मिस्टेक्स इन द अपकमिंग वीडियो. यस्टरडे यू सेड टुमारो, दैट डे इज टुडे. When will you start? Start now. You're already so old. Go out there and take charge. Time and tide waits for none. Go out there and start an Insta account. Make content. It is the future of the world. Be consistent. Put out content. Cause as the famous saying goes, slow and steady wins the race. Do it well or nothing at all. Start reading. Pick up books across domain and start reading. Read even though you don't understand, because something is better than nothing. Work on yourself. Work on how you look. Buy expensive product for yourself, because the first impression is the last impression. Collaborate with people. Learn from them. You may not like them at first, but every person knows something that you don't. Never judge a book by its cover. इन द ईयर 1970 एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था. एक लेक्चर हॉल में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट इकट्ठा हुए एंड दे वर वेटिंग फॉर अ लेक्चरर. द ओनली कैच वॉज दैट लेक्चरर वाजंट अ लेक्चरर, ही वॉज अ एक्टर. उन्हें बोला गया था कि आपको बस कॉन्फिडेंटली बोलना है उस रूम में, यू नो, आपको मौज करा देनी है. कुछ भी लॉजिकल नहीं बोलना, आपके टॉक्स में इनकंसिस्टेंसीज होंगी, फैक्चुअली गलत होगा, बट यू जस्ट नीड टू परफॉर्म देयर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम आग लगा देती है. एंड ही बीइंग अ एक्टर, उन्होंने किया, वो जाके आग लगा के आ गए. जब उन एक्सपर्ट से पूछा गया व्हाट डू यू थिंक, कैसा था ये, एंड एवरीवन वाज लाइक यस ही वाज गुड, वी लर्न समथिंग. ही हैड लेफ्ट अ पॉजिटिव इंप्रेशन जस्ट बाय द वे ही टॉक्ड. उनकी कोई भी बातों का कुछ वजन नहीं था, बट जस्ट द वे ही प्रेजेंटेड. दिस इज कॉल्ड डॉक्टर फॉक्स इफेक्ट. जहां जहां हमारा इमोशंस राइज करता है, हमारा इंटेलिजेंस ड्रॉप कर जाता है. एंड ये तो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, अपन क्या चीज है. फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो द थिंग्स दैट आई सेड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, बट क्योंकि बस उसके पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक था, अच्छे अच्छे विजुअल्स थे, प्रोबेबली यू फेल फॉर इट. Emotions rise, intelligence drop. In the battle of our emotions and facts, hamesha emotion jeetega. There is no other way around. And isi cheez ka use kiya jata hai hame bewakoof banane mein. The same thing happens with all the conspiracy theory out there. Say for example, flat earth. Aapko aisa feel karaya jata ki puri duniya aapse kuch chupa rahi hai. And you feel कि नहीं वो कैसे छुपा सकती है मेरे से, मैं तो जान के रहूंगा. एंड यू फॉल फॉर दोज लॉजिक्स, सारे बचकाने लॉजिक्स. इमोशंस राइज, इंटेलिजेंस ड्रॉप. सेम थिंग हैपन विद 5G कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. देखो लॉजिक तो सिंपल है, जहां जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहीं पे 5G के टावर्स टेस्ट होंगे, एंड जहां जितना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वहीं पे कोविड के कारण डेथ भी ज्यादा होंगी. बट द सेम पैटर्न रिपीट्स, हमारे इमोशंस राइज हो जाते हैं वो डेथ सुन के, जहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस ड्रॉप हो जाता है. एंड इट हैज नथिंग टू डू विद लिटरेसी. ये केसेस USA, ब्रिटेन, इन जगहों के हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट हमारे देश से तो काफी ज्यादा है, बट दे स्टिल फॉल फॉर इट. द कंक्लूजन इज यू नीड टू बी अवेयर. जब भी तुम्हें कोई कुछ समझाने के बदला तुम्हारे इमोशंस पे खेल रहा हो, वो कहते हैं ना, पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड. People will never forget how you made them feel. Now this is a very good thing. But जब ये तुम पे apply होता है, तो you need to be aware. क्योंकि जहाँ जहाँ तुम्हारा emotion rise होगा, तुम्हें वहाँ पे कोई ना कोई कुछ पक्का बेचेगा. कोई product बेचेगा, कोई service बेचेगा, कोई idea बेचेगा. And you need to be a mindful buyer. Stop. Just stop. Don't do that. This can act as your filter. Like तुम मुझे कुछ बोल रहे हो, and अगर जैसे मेरा emotions rise कराना चाह रहे हो, sorry, not interested. And lastly, you can use this effect in your favor. A little bit of confidence takes you a long way. But हाँ, बस little bit. ज़्यादा fox effect मत use करना. Peace.